गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो बीडल और टाटम थे, जिन्होंने वन एंजाइम और वन जीन थ्योरी दी थी, तो उन्होंने वाइल्ड में बने प्रजाति में और म्यूटेंट के अंदर एक्सरेज डाल करके उसको म्यूटेंट कर लिया था, जब वहां उसके एस्को स्पोर्ट्स प्राप्त किए थे। तो उन एस्को स्पोर्ट्स में से कंप्लीट मीडियम में तो वो सारे के सारे हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको मिनिमल मीडियम के अंदर उनको रखा, तो वहां पर कुछ ऐसे एस्को स्पोर्ट्स थे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जिनके आधार पर बीडल और टाटम ने कहा था कि जिनकी मिनिमल मीडियम के अंदर, अल्पतम माध्यम के अंदर जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो कौन से हैं? जो म्यूटेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेंट थे, म्यूटेंट एस्को स्पोर ही मिनिमम जो मीडियम था, अल्पतम मीडियम था, उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो इस प्रयोग के आधार पर यहाँ इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, अदर एग्जाम्पल्स दिए, जिसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक जीन एक नए एंजाइम के लिए, या फिर कहें कि एक जीन एक एंजाइम के श्रावण के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को, बीडल टाटम परिकल्पना के प्रयोग। बीडल टाटम परिकल्पना के प्रयोग, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स को समझाया था इसके जरिए। तो यहां पर फर्स्ट देखते हैं, बीडल और टाटम ने क्या किया था कि यहां पर जो एस्को स्पोर थे, इन एस्को स्पोर को एक्सरेज के द्वारा विकृत कर दिया। यहां पर एक्सरेज डाल करके इनको क्या कर दिया? विकृत। जब ये एस्को स्पोर्स विकृत हो गए, और विकृत होने के बाद में जब इनको अल्पतम माध्यम, जिनको क्या बोल रहे हैं हम, मिनिमल मीडियम, अल्पतम माध्यम में जब इनकी वृद्धि कराई, इनका संवर्धन कराया, तो संवर्धन कराने पर क्या देखा कि यहां पर कुछ एस्को स्पोर्ट्स ऐसे थे जिनका संवर्धन नहीं हुआ, सभी नहीं, कुछ का संवर्धन नहीं हुआ। क्या कहें कि कुछ की जो ग्रोथ थी वो नहीं हुई। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, क्योंकि जब यहां पर एस्को स्पोर्ट्स को इन्होंने विकृत कराया था, तो इन्होंने ली कौन कौन सी थी, यहां से पहले इन्होंने ली कौन कौन सी थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में समझाया था कि एक तो यहां पर म्यूटेंट प्रजाति ली थी इन्होंने, और म्यूटेंट प्रजाति कौन सी है, जिसको एक्सरे से विकृत कराया है, और दूसरी थी वाइल्ड बन्ने, दूसरी वाइल्ड प्रजाति ली थी। यहां जब दोनों से यहां पर जो एस्को स्पोर प्राप्त हुए थे, वो एस्को स्पोर कितने थे? 8, जिसमें से 4 म्यूटेंट थे और 4 कैसे थे? नॉर्मल। यहां पर 4 एस्को स्पोर्स म्यूटेंट थे और 4 नॉर्मल थे। अब जो ये नॉर्मल थे, इनको तो चाहे तुम कॉम्प्लीट मीडियम में रख दो, चाहे तुम इसको मिनिमल मीडियम में रख दो, दोनों में ही क्या कर रहे थे, ये ग्रोथ, इनकी दोनों में ही ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जो म्यूटेंट थे, ये म्यूटेंट कंप्लीट में तो ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि कंप्लीट में तो इनको सभी प्रकार के एंजाइम्स मिल रहे थे, लेकिन यहां जो मिनिमल मीडियम था, इस मिनिमल मीडियम के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। अब वो कौन से थे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, यहां पर वो कौन से थे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे? तो यहां पर वो थे जिनकी जो जीन थी, वो जीन क्या हो गई थी? म्यूटेंट।
वो जीन म्यूटेंट हो गई थी, क्योंकि जब जीन म्यूटेंट हो गई तो यहां बनने वाला जो एंजाइम था म्यूटेंट जीन के अंदर, जो कोडिंग पार्ट होगा, जो सूचना यहाँ पर कोड की हुई होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, म्यूटेंट हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। तो जो बनने वाला जो एंजाइम था वो एंजाइम भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब जीन म्यूटेंट हुई तो एंजाइम भी म्यूटेंट हो गया। तो यहाँ पर जो एंजाइम बनना चाहिए था वो एंजाइम नहीं बनता, एंजाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब ये एंजाइम चेंज हो जाता है तो यहां पर जो कुछ एस्को स्पोर्स थे उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां पर उन एस्को स्पोर्स की भी यहां ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां इन्होंने बीडल और टाटम ने क्या समझाया कि यहां पर जो म्यूटेंट एस्को स्पोर थे, जो म्यूटेंट एस्को स्पोर थे, कौन से, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मिनिमल माध्यम में ग्रोथ नहीं हो रही थी, और मिनिमल कौन सा था, मिनिमल अल्पतम। तो यहां इन एस्को स्पोर्ट्स के अंदर यहां पर कुछ ऐसे एंजाइम थे जिनकी वजह से यहां पर ग्रोथ नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहां फर्स्ट इन्होंने किसको समझाया था, थायमीन को। यहां पर जैसे थायमीन है, इन्होंने फर्स्ट समझाया था फॉर एग्जाम्पल थायमीन को। तो यहां पर जो थायमीन को स्रावित करने वाली जीन होती है, सॉरी थायमीन के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी जीन होती है, तो ये थायमीन कई स्टेप के अंदर स्रावित होता है। यहां पर कई स्टेप्स होती हैं और प्रत्येक स्टेप में नया एंजाइम होता है। यहां पर प्रत्येक स्टेप में नया एंजाइम होता है। तो यहां पर जो थायमीन को संश्लेषित करने वाली जीन थी वहां वो जीन क्या हो गई, म्यूटेंट हो गई। तो म्यूटेंट हो गई तो यहां पर थायमिन का संश्लेषण नहीं होगा। अब यहां पर वो कौन सी जीन म्यूटेंट हुई है, वो चीज भी हमको देखनी है। तो स्टूडेंट्स थायमिन का जो संश्लेषण होता है, ये संश्लेषण 10 स्टेप के अंदर होता है। यहां पर 10 चरण होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर थायमिन का संश्लेषण होता है, फर्स्ट से लेकर के 10 तक। अब यहां पर कौन से नंबर की जीन म्यूटेंट हुई है, तो वही एंजाइम म्यूटेंट होगा, वही यहां आकर क्या होगा, गलत एंजाइम बनेगा और वही इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए मान लिया यहां पर जो यहां ये रिएक्शन है, जो थायमिन का संश्लेषण है, ये 10 स्टेप के अंदर हो रहा है और 10 स्टेप को 10 एंजाइम यहां पर इसको कंट्रोल कर रहे हैं या 10 एंजाइम इसको स्रावित करा रहे हैं यहां पर। तो यहां देखो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10। यहां S1 से लेकर के जो S10 है, ये कौन सी है, एंजाइम संश्लेषित करने वाली जीन है, एंजाइम संश्लेषित करने वाली जीन है। अब यहां इनसे क्या होगा, वही एंजाइम संश्लेषित होंगे प्रत्येक स्टेप के लिए। और ये कौन से हैं, एंजाइम, कौन से, उत्तरदायी एंजाइम, रिएक्शन के लिए उत्तरदायी एंजाइम। प्रत्येक रिएक्शन के लिए ये उत्तरदायी एंजाइम है। अब स्टूडेंट्स अगर मान लिया हमने यहां पर S2 जीन म्यूटेंट हुई है,
जब थाइमिन का संश्लेषण होगा तो पहली स्टेप तो बिल्कुल आ जाएगी, पहली स्टेप में जो बनने वाला रॉ मटेरियल है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक 9 तक क्या होगा, रॉ मटेरियल, और जो बनेगा वो कहां होगा, 10 स्टेप के बाद में। तो यहां पर मान लिया S1 के बाद में यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रॉ मटेरियल यहां पर R1 बन गया, लेकिन यहां क्या होगा, R2 नहीं बनेगा, जो R2 है वो नहीं बनेगा, रिएक्शन यही रुक जाएगी, थाइमिन का संश्लेषण यही रुक जाएगा। मान लिया ये बन रहा है, लास्ट में जाके E8 नहीं बन रहा, तो यहां रिएक्शन क्लोज हो जाएगी, यहां से R3 बन जाएगा रॉ मटेरियल, R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, R6 बन जाएगा और R7 बन जाएगा, थायमिन का संश्लेषण हो रहा है, 7 स्टेप तक हो गया। अगर ये म्यूटेंट हुई है तो यही आकर के यहां रुक जाएगी। तो यहां पर बीडल और टाटम ने जो 10 स्टेप थे सभी स्टेप को अंडर कंट्रोल रख करके यहां पर प्रत्येक स्टेप को देखा था कि कहां कौन सा एंजाइम रॉ मटेरियल को बना रहा है, या फिर कहें कि कौन सी जीन किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी है। तो यहां प्रत्येक जो कंडीशन थी वो बीडल और टाटम ने अंडर कंट्रोल रखी थी, और यहां पर जहां रिएक्शन रुक रही थी, मतलब जो जीन म्यूटेंट हो रही थी, वो एंजाइम म्यूटेंट हो रहा था, उसी को मिनिमल मीडियम के अंदर देने पर किसका निर्माण हो रहा था, थायमिन का। अगर यहां पर S8 वाली जीन म्यूटेंट हुई है तो यही एंजाइम नहीं बनेगा, इसी एंजाइम को जब यहां पर दिया जाएगा तो एट लास्ट यहां पर क्या आ जाएगा, R10 थायमिन का निर्माण हो जाएगा, यहां पर थायमिन का निर्माण हो जाएगा। तो यहां जिस एंजाइम की जीन म्यूटेंट होगी वही एंजाइम रुकेगा, वही एंजाइम म्यूटेंट होगा और वही उसी जगह पर वही स्टेप क्या होगी, रुक जाएगी। अगर हम इसको मिनिमल माध्यम में रख रहे हैं तभी जान पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडर कंट्रोल होते हैं, और कंप्लीट मीडियम में सभी कंटेंट अधिक मात्रा में होते हैं, वहां हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए इनको मिनिमल मीडियम के अंदर अल्पतम माध्यम में रखकर इनकी ग्रोथ कराई जाती है, तभी हम बता सकते हैं, तभी पता लग सकता है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर म्यूटेंट हुआ है, कौन सी जीन म्यूटेंट हुई है, जिसे एंजाइम म्यूटेंट हुआ है, किस स्टेप में आके रिएक्शन रुक रही है। तो यहाँ पर जो थायमिन के संश्लेषण को समझाया था इन्होंने कि जो थायमिन का संश्लेषण है वो 10 स्टेप में हो रहा है, और 10 की 10 स्टेप के लिए प्रत्येक नई जीन की आवश्यकता होती है, 10 जीन होंगी, 10 एंजाइम होंगे, तभी यहाँ पर थायमिन का संश्लेषण लास्ट में जाके होगा। तो इस आधार पर उन्होंने थायमिन को समझाया था। दूसरा जो एग्जांपल इन्होंने दिया था वो दिया था आर्जिनिन के लिए। न्यूरोस्पोरा में जो सेकंड एग्जांपल इन्होंने बताया था वो बताया था यहां पर आर्जिनिन के लिए। आर्जिनिन अमीनो अम्ल है। यहां इन्होंने बताया था कि जो आर्जिनिन डिपेंडेंट न्यूरोस्पोरा होता है, जो न्यूरोस्पोरा आर्जिनिन डिपेंड अमीनो अम्ल डिपेंडेंट होता है, ये इसके अंदर क्या होगी, जब तक आर्जिनिन अमीनो अम्ल नहीं होगा तब तक इसकी ग्रोथ नहीं होगी। यहां पर इसकी ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता है, आर्जिनिन की। आर्जिनिन है तो न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि मिनिमल माध्यम में, फिर वही जब हम अल्पतम माध्यम ले रहे हैं तो उस अल्पतम माध्यम में हम प्रत्येक कंटेंट को फिक्स ले रहे हैं। तो यहां पर अगर आर्जिनिन नहीं है तो इस न्यूरोस्पोरा की यहां पर ग्रोथ नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर जो आर्जिनिन डिपेंडेंट न्यूरोस्पोरा थे इसकी 4 प्रभेद तैयार की, यहां इसकी 4 प्रभेद तैयार की, और चारों की चारों प्रभेदों को अलग अलग माध्यम में ले जाकर के
अलग अलग माध्यम में ले जाकर के यहाँ प्रयोग किए, अलग अलग माध्यम में ले जाकर के प्रयोग किए, देखा कि किस माध्यम में इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इन्होंने जब यहाँ पर आर्जिनिन के लिए अलग अलग माध्यम में ले जाकर के किए तो एट लास्ट मिनिमल माध्यम जो इन्होंने रेडी किया था अल्पतम, तो यहां इन्होंने देखा कि आठ स्टेप के अंदर आर्जिनिन का संश्लेषण होता है, आर्जिनिन का संश्लेषण होता है। यहां पर जो आर्जिनिन का संश्लेषण हो रहा है वो आठ स्टेप में हो रहा है, और आठ की आठ स्टेप के लिए यहां पर एक से लेकर के आठ एंजाइम की आवश्यकता है। यहां पर एक से लेकर आठ स्टेप में आठ एंजाइम की आवश्यकता है। इन आठों एंजाइम को जो निर्मित करने के लिए जो उत्तरदायी जीन है वहां आठ जीन की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल अलग अलग नई आठ जीन्स के द्वारा किसके आठ एंजाइम्स का निर्माण होगा, और ये आठ एंजाइम्स फर्स्ट स्टेप से लेकर के एट स्टेप तक या प्रत्येक स्टेप में नए नए एंजाइम्स का श्रावण करेंगी, और श्रावण करके एट लास्ट किसका निर्माण करेंगी आर्जिनिन का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आती है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होती है रॉ मटेरियल होता है वो होता है पर ग्लूटामिन से लेकर के जो लास्ट स्टेप आती है, यहां से जो लास्ट स्टेप आती है वो आती है आर्जिनोसक्सीनेट। ये सेवेंथ होगी, और सेवेंथ के बाद में क्योंकि यहां से लेकर के फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ तक जो बन रहा है वो क्या होगा रॉ मटेरियल, और एट लास्ट किसका निर्माण होगा एर्थ स्टेप में आर्जिनिन का। यहां एर्थ स्टेप में आर्जिनिन का निर्माण होता है। तो यहां से लेकर के प्रत्येक स्टेप में एक नए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब यहां जो एंजाइम नहीं है वहीं जाके रिएक्शन रुक जाएगी। अगर हम उन्हीं एंजाइम को मिलीमन जो माध्यम है हमारा अल्पतम जो मीडियम है उसमें अगर डालते रहेंगे तो यहाँ ग्लूटामाइन से एट लास्ट हमको क्या प्राप्त हो जाएगा आर्जिनिन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आधार पर बीडल और टाटम ने समझाया कि अगर हम न्यूरोस्पोरा की जो म्यूटेंट प्रभेद हैं, क्योंकि म्यूटेंट प्रभेद के अंदर उस विशिष्ट एंजाइम को स्रावित करने की जो क्षमता थी वो क्षमता क्या हो गई है नष्ट। अगर उस विशिष्ट एंजाइम को हम बाहर से दे दें, क्योंकि जीन तो दे नहीं सकते, अगर उस विशिष्ट एंजाइम को हम बाहर से दे दें तो वो प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है और रिएक्शन आगे की तरफ चल जाएगी, और एट लास्ट हमको जो चाहिए था थायमिन दसवीं स्टेप में बनेगी, और यहां पर आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन यहां पर आठवीं स्टेप में बनके रेडी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना। प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना की बात करें या फिर या यूकैरियोटिक जीन की संरचना की बात करें, दोनों के अंदर दोनों प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर जो कोडिंग पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट जो पाया जाता है, ये नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन होता है, और ये इंट्रॉन बहुत कम मात्रा में। तो इसका मतलब जब यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट बहुत कम मात्रा में मिल रहा है तो दूसरा पार्ट कौन सा है, कोडिंग पार्ट। तो यहां जो कोडिंग पार्ट होता है, तो यहां जो कोडिंग पार्ट पाया जाता है ये पाया जाता है सिस्ट्रॉन, जो
मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित होता है, मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहां पर जो कोडिंग पार्ट है, इस कोडिंग पार्ट के अंदर जो यहां कोडिंग क्षेत्र है, ये कोडिंग क्षेत्र आरएनए और प्रोटीन को कोड करता है, आरएनए और प्रोटीन को कोड करता है। क्योंकि कोडिंग पार्ट में पहले यहां एमआरएनए का निर्माण होगा, एमआरएनए पर जो इंफॉर्मेशन होंगी उसके आधार पर यहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो यहां कोडिंग पार्ट के ऊपर जो उत्पाद के लिए जो कोड होते हैं वो उत्पाद एमआरएनए और प्रोटीन होते हैं। तो और कोडिंग पार्ट क्या कहलाता है, यहां पर सिस्टम। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो यहां पर क्रियात्मक यूनिट होती है, प्रोकैरियोट्स में जो क्रियात्मक यूनिट होती है किसकी, जीन की, ये क्या होती है, सिस्ट्रोन होती है। जीन की क्रियात्मक यूनिट यहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, सिस्ट्रोन पाई जाती है। बैक्टीरिया के अंदर बात करें हम तो बैक्टीरिया में एक सिस्ट्रोन में जो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, यहां जो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या मिलती है ये संख्या 1500 से लेकर के 30,000 तक हो सकती है बैक्टीरिया के एक सिस्ट्रोन के अंदर। क्योंकि यहां जो सिस्ट्रोन होते हैं ये डीएनए के सतत खंड होते हैं, अनवरत खंड होते हैं, लगातार होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं, केवल प्रोकैरियोट्स में सतत खंड होते हैं, बड़े खंड होते हैं ये। क्योंकि जब हम यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पर एक्सोन और इंट्रोन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो सिस्ट्रोन होती है वो सिस्ट्रोन बड़ी यूनिट होती है। यहाँ बैक्टीरिया के एक सिस्ट्रोन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो 1500 से लेकर के 30,000 सिस्ट्रोन यहाँ पर बैक्टीरिया के 1500 से लेकर के 30,000 न्यूक्लियोटाइड एक सिस्ट्रोन के अंदर हो सकते हैं बैक्टीरिया में। और यहां ये जो सिस्ट्रोन होते हैं, ये सिस्ट्रोन पहले एमआरएनए को कोड करेंगे और फिर ये पुनः किसको कोड करेंगे, प्रोटीन को। यहां पर ये सिस्टम यहां चलता है। अब यहां पर हम बात करें प्रोकैरियोट के सिस्ट्रोन की, यहां जो पार्ट है ये कौन सा है, फाइव एंड, और ये जो पार्ट है वो कौन सा है, थ्री एंड। फाइव एंड का ये वो पार्ट है जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, जो कौन सा है, अनट्रांसलेटेड रीजन है। ये भी थ्री एंड का कौन सा पार्ट है, जो अनट्रांसलेटेड रीजन है। मतलब कि नॉन कोडिंग पार्ट, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कोडिंग नहीं हो रही है, बीच का जो ये पार्ट है, ये पार्ट कौन सा होगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये कोडिंग पार्ट होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है वो कौन सा होगा, कोडिंग पार्ट। ये फ्रंट पार्ट, यहां पर प्रमोटर होगा जो कहां है, फाइव एंड की ओर है, और यही रेगुलेटरी रीजन होता है। प्रमोटर की तरफ कौन सा होता है, रेगुलेटरी रीजन, यहीं पर रेगुलेटरी रीजन होता है। अब यहां पर जो फाइव एंड पर अनट्रांसलेटेड रीजन है इसको तो कहते हैं हम लीडर, इस पार्ट को तो कहते हैं हम लीडर, और जो थ्री एंड पर है इसको कहते हैं हम ट्रेलर। फाइव एंड पर जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो लीडर कहलाता है, और जो थ्री एंड पर जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो ट्रेलर कहलाता है। यहां से कोडिंग पार्ट पर जो इनिशिएशन स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, इनिशिएशन मीन्स आरंभ कोड करने को, क्योंकि ये तो
नॉन कोडिंग है, या तो किसी प्रकार के कोड है ही नहीं, तो यहां जो पार्ट है ये आई कहलाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम, इनिशिएशन। इनिशिएशन को आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और लास्ट कौन सा होता है, टर्मिनेटर, जिसको हम टी से प्रदर्शित कर रहे हैं, टर्मिनेशन या टर्मिनेटर पार्ट। तो यहां जो कोडिंग पार्ट है ये, इस कोडिंग पार्ट में जो शुरू होता है वो इनिशिएशन पॉइंट होता है, और जहां खत्म होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटर पार्ट या टर्मिनेशन पॉइंट होता है। तो यहां पर जो फाइव एंड पर जो यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लीडर, ये क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट है जिसको हम लीडर कह रहे हैं। यहां इसको क्या कहते हैं हम, अप स्ट्रीम अनुक्रम, ये क्या कहलाता है, अप स्ट्रीम अनुक्रम। जो थ्री एंड के अंदर जो ट्रेलर पार्ट है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इस ट्रेलर पार्ट को क्या कहते हैं हम, डाउन स्ट्रीम अनुक्रम। तो ये पार्ट कहलाता है यहां पर डाउन स्ट्रीम अनुक्रम। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक जीन बहुत सिंपल होती है, जिसकी एक सिंपल सी संरचना होती है। यहां पर फाइव एंड पर नॉन कोडिंग पार्ट है, थ्री एंड पर नॉन कोडिंग पार्ट है, बीच में जो कोडिंग पार्ट है, जिसको आई से लेकर टी से, आई और टी के बीच में रखा गया है, आई से स्टार्ट इनिशिएशन पॉइंट से और टर्मिनेशन पॉइंट पर समाप्त हो जाता है। जो फाइव एंड पर जो लीडर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम अनुक्रम, और जो थ्री एंड पर जो ट्रेलर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।